सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर इस भोर की प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिसने हम सभी को पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ और भला चंगा और जीवित जगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, उस पिता का धन्यवाद करें, महिमा में परमेश्वर का आदर करें, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु और सामर्थ्य और अभिषिक्त परमेश्वर, उसके समान कोई है ही नहीं, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसकी महिमा करें और उसकी जय जयकार करें, ऊंचे शब्दों में प्रभु की महिमा और स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो महान और जीवित खुदा है। सचमुच में मेरे प्रियो, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर पिता की महाकरुणा का फल है और उसकी करुणा, उसकी दया अमर है। एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, बल्कि सदा सदा के लिए उसकी करुणा, उसकी दया हम पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार आकाश पृथ्वी पर सदा बना रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थ्य और बलवंत हाथ उसके डरवैयों पर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा कीजिए, धन्यवाद कीजिए। अपने कार्यों में जाने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले, पिता को प्राथमिकता दीजिए, खुदा को प्राथमिकता दीजिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज दिन भर की आशीष प्रभु से मांग लीजिए मेरे प्रियो, उसके करीब आकर उसका धन्यवाद कीजिए और उसके नाम की बढ़ाई कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, या बहुत से ऐसे प्रिय भाई बहन जो अनाथ हैं, विधवाएं हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं अकेली रह गई हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगी, कैसे जीऊँगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता का वचन याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु यहोवा कहते हैं, हो सकता तेरी माता तुझे छोड़ जाए, हो सकता तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे पिता छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु यूं कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आप हो सकता है आप अकेले महसूस कर रहे हो सकता है आपका परिवार होते हुए भी आप अकेले महसूस करते हो सकता है आपका परिवार ना हो, आपकी मम्मी पापा भाई बहन आपका साथ नहीं दे रहे हो, तो प्रभु यहोवा कहता है, कोई तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाती है, छोड़ देती है। एक बाप अपने बेटा और बेटियों को भूल जाता है, छोड़ जाता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भी होता है मेरे प्रियो कि हमारा जो करीब रहता है वो प्रभु के पास चला जाता है और हम सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यहोवा हमारे साथ है, पिता यहोवा हमारे साथ है, वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी उंगली को पकड़कर चलाता है मेरे प्रियो, वो हमारे साथ चलता है, वो हमारे साथ रहता है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आप अकेले हैं, प्रभु यहोवा आपके साथ। और यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कहने का मतलब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। संकट में हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले हमें संकट में छोड़कर चले जाते हैं, भूल जाते हैं, रिश्ता होने के बाद भी। लेकिन मेरे प्रिय, हमारा वो स्वर्गीय पिता है जो हमारा खुदा है, उससे हमारा जो रिश्ता है वो अटूट है,
उस पर विश्वास करें, वो आपको कभी भी अकेला संकट में, अकेला मुसीबत में कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा कहता, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, इसलिए अब मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा यहोवा पवित्र परमेश्वर हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला यहोवा हूं, मैं तुझे बचाने वाला यहोवा हूं। मेरे प्रिय, आप जितने भी ऐसा सोचते हैं, आप उस सोच से बाहर निकलिए, उस तनाव से बाहर निकलिए। प्रभु आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, आपका रक्षक है वो, और वो आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। अनाथ और विधवाओं का वो न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, उनकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आप उनके साथ बने रहिए मेरे प्रियो, प्रभु के संगति में बने रहिए, प्रभु के साथ मुलाकात करते रहिए, उससे अच्छा संबंध बनाए रखे मेरे प्रियो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो बेसहारा है खुदा, बहुत से ऐसे प्रिय भाई बहन जो अनाथ और विधवाएं हैं, तू उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा अकेला, तू उन्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। पिता हम भी विश्वास करते हैं, और परमेश्वर पिता तू उनकी सुधि ले, उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता, उनकी चिंताओं को, उनकी टेंशन को, उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को आप दूर कीजिए। बेसहारों का सहारा आप ही हैं, बेसहारों का सहारा परमेश्वर पिता आप हैं। उनकी चिंताएं, उनकी टेंशन, उनकी मुश्किलें यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए, तकलीफें मुसीबतें खत्म हो जाए। बहुत से ऐसे प्रिय भाई बहन जिनके सर पर छत नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए तू प्रबंध कर, प्रबंध कर। यहोवा ईरे, प्रबंध करने वाले परमेश्वर आप है, उनके लिए रहने का तू प्रबंध कर परमेश्वर। ऐसा कई प्रिय भाई बहन है पिता परमेश्वर जो सचमुच में बोझ से दबे हैं, कर्ज से दबे हैं, बीमारियों से दबे हैं, यहोवा निश्चय उन पर तू विजय दिला, उन्हें सब प्रकार की बीमारियों पर विजय दिला। यीशु के नाम से उन्हें तू चंगाई दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें शांति दीजिए। यहोवा शालोम, शांति देने वाले परमेश्वर। यहोवा राफा, उन्हें चंगाई दीजिए। यहोवा निश्चय उनको तू विजय दिलाइए। यहोवा शम्मा, उनके साथ रहिए। प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन से सारी बीमारी, कमजोरी, लाचारी खत्म हो जाए। प्रभु उन्हें तू अनाथ नहीं छोड़ेगा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जो कर्ज में फंसे हैं, यीशु के नाम से यहोवा ईरे, तू उनके लिए प्रबंध कर, जॉब का प्रबंध कर प्रभु, सारा कर्ज उतर जाए। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें विजय दिला कर्ज पर, बीमारी पर, बेरोजगारी पर तू विजय दिला प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। प्रादर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आप कहते, हम सबते मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, उनके साथ हो, उनके साथ हो, और सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, आज जो निसंतान है प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, उनके गर्भ को खोल दे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है पिता, इसलिए उन्हें तो गर्भ का प्रतिफल दे। उनकी चिंताओं को, उनकी मुसीबतों को, उनके दर्द और पीड़ाओं को तू शांति दे, तसल्ली दे। गुप्त बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, और परमेश्वर पिता वो गर्भ को पिता परमेश्वर होने वाले बन जाए, गर्भ को पिता परमेश्वर कंसीव करने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। और आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं पिता परमेश्वर, जिन घरों में क्लेश से लड़ाई झगड़े हैं, नशा करते, उन सारे परिवार वालों के जीवन को बदल दे। नशा ना करे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा बाप बुराई ना करे, बल्कि तेरे बेटा और बेटी होकर प्रभु जीने वाले बन जाए। पति पत्नियों के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उन्हें छुड़ा ले प्रभु, उनकी मदद कर, सहायता कर यीशु के नाम से। जितने भी तेरे दास और दासी हैं प्रभु, उन सबको हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, और तुझ में वो लगातार आगे बढ़े, तेरी सेवकाएं में लगातार आगे बढ़े पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन प्रियों के लिए, उन जवानों के लिए जो पिता परमेश्वर शादी लायक हो गए, पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनका विवाह सही समय पर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से जो बेरोजगार है आज यीशु के नाम से बेरोजगारी पर विजय दे। पिता परमेश्वर आज जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं जो बीमार की हालत में तकलीफों में हैं टेंशन में चिंता में यीशु मसीह के नाम से उनकी तू सुधि ले उन्हें अनाथ ना छोड़ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा धन्यवाद राजा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते। मेरे प्रिय प्रार्थना करें पिता से प्रार्थना करें प्रभु आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करेगा प्रभु आप दोनों पति पत्नियों को आशीषित करेगा प्रभु आपको अच्छी जॉब देगा प्रभु आपके बिजनेस में आपके जॉब में आपकी स्टडीज में आपके खेतीबाड़ी में प्रभु आपको आशीषित करेगा प्रभु आपके जीवन से सारी परेशानियों को दूर करेगा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन से सारी तकलीफों को दूर करेगा। आप प्रभु में बने रहें आप प्रभु में बने रहें प्रभु आपकी खेतीबाड़ी में आशीष देगा प्रभु आपके जॉब में आपके बिजनेस में आपकी स्टडीज में परमेश्वर पिता आशीषित करेगा। प्रार्थना करें प्रभु में आगे बढ़े मेरे प्रियो धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं सब बातें आपके हाथों में सब तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं आमेन। धर्मी सन ने बोला आमेन। मेरे प्रियो प्रार्थना करें विश्वास करें प्रभु आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा प्रभु आपको कभी भी संकट में नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड प्रभु में बने रहें सबको जय मसीह की आमेन।